आए हैं यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल जो है पांडव भवन हिस्टोरिकल रूम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। और ये है मेरा आज का यहाँ फोर्थ डे। गाइस, आज का डे हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज हमें जाना है कहीं घूमने, यहाँ से बाहर निकल के और ऊपर जाएंगे, ठीक है। और पता नहीं कई अरावल की घाटियाँ कुछ मेरे को जगहों का नाम भी आती है, पांडव नगर क्या। तो मैंने सोचा कि ना मैं व्लॉग ना स्टार्ट यहाँ बाहर आ कर करती हूँ, अंदर बैठ कर एक बार व्लॉग स्टार्ट कर लिया, खुले आसमान के नीचे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर कुछ ज़्यादा अलग से व्लॉग बनाना हुआ ना, तो मैं हर जगह का शॉर्ट शॉर्ट बना के, मतलब वैसे शॉर्ट वीडियोज़ बना के फिर अलग से भी अपलोड कर दूँगी। तो वो ये वाले व्लॉग्स ज़रूर देखना, और जिससे रिलेटेड होंगे वो भी ज़रूर देखना। तो फिलहाल हमें अभी निकलना है 9 बजे, तो अभी शायद 8 बज गए, तो हमें नहाना है और उसके बाद फिर हमें निकलना है। तो मेरे पास टाइम मेरे सारे काम करके और फिर मिलते हैं, ठीक है। तैयार है जाने के लिए। और कुछ लेना है? मेरा छोटा बैग है ना, मैं उसमें सारा सामान है ना। और ये अंकल हमेशा लिफ्ट में रहते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, कोई लिफ्ट में ना फंसे और दरवाजा चीकर बंद ना करे कभी ना चढ़े नहीं, और एक 5 से ज्यादा ना चढ़े। स्पेशल तो ये है ना अंकल, 5 से ज्यादा ना चढ़े कोई भी। ये देखो आज का मौसम फिर भी थोड़ा सा अच्छा है, मतलब थोड़ी सी धूप है। ओ मम्मी के आगे मोर पीछे मोर ना, आज अलग मम्मी ने पंख लगा रखे अपने। और मौसी बीमार थी आज, मौसी फिर भी जा रही है पांडव नगर देखने के लिए। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, सेम ऐसे ही यहाँ भी अंकल बैठे हुए हैं, ये भी सबकी हेल्प करने के लिए। और आज के हमारे ब्रेकफास्ट में है इडली, नारियल की चटनी और सांभर, और ये है मिर्च। मैस आने के बाद ना, आज हम मैंने बताया था ना हमें जाना है घूमने, और अभी हम आए हैं यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल, जो कि यहाँ की जो संस्था है वहीं के लिए, वहीं का हॉस्पिटल है। अभी तक हमने बस यहाँ का नाम सुना था, जब मौसी को रेफर किया था ना यहाँ के लिए कि हाँ भाई आप डॉक्टर के पास जाना है तो आप ट्रीटमेंट के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल जाओ, जब हमें पता चला था कि हाँ ग्लोबल हॉस्पिटल है। बट हमें आज हम यहाँ आराम से देखेंगे क्या है यहाँ और क्या है ग्लोबल हॉस्पिटल। जितने भी आसपास के विलेजेस हैं ना, यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस गाड़ी दवाई सहित जाती है और सेवाएं यहाँ फ्री में करी जाती है। और यहाँ पे पेशेंट्स जो आते हैं उनका बहुत मिनिमल चार्ज में ट्रीटमेंट होता है, बहुत सफाई रहती है। अपना हॉस्पिटल है तो अपने हिसाब से हम मैनेजमेंट करते हैं, तो लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। वो आपने क्या बताया था वुमेन के लिए? ओमेन का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ओमेन? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू बाबा, ओमेन विजडम ऑफ मैन दैट इज कॉल्ड ओमेन। और अब हम इसके बाद आए हैं पांडव भवन। सबसे पहले पांडव भवन में एंट्री के बाद है कृष्ण जी की फोटो, और बहुत ही अच्छी फोटो है सच में। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं अंदर, और अभी ना यहाँ के बारे में जो भी है ना सारा वो भी बताऊंगी मैं आपको, बिकॉज मुझे नहीं पता, जो अंदर दीदी हैं वो बताएंगी। मतलब जब काम की फोटो लेनी थी ना उस टाइम पे एकदम से ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं, कहाँ जाना है? वहाँ पर बाबा कमरे में तो रहते थे, लिखते थे बाबा की झोपड़ी, जहाँ पर बाबा बच्चों को पत्रों का जवाब देते थे, तो वहाँ पे बाबा पत्र लिखते थे। आज भी वहाँ पर लेटर बॉक्स बना हुआ है, और कोई भी आपके मन में प्रश्न है या कुछ भी, उसमें आप डाल कर वो अपना समस्या या प्रश्न जा सकते हो, उसका जवाब निश्चित रूप से हमको मिलता ही मिलता है। फिर यहाँ पर हिस्ट्री हॉल है, पूरे यज्ञ का इतिहास कि जब भारत आए या कराची से लेकर के जब तक बाबा रहे तब तक कैसे ये यज्ञ विस्तार को पाया, दीदियाँ दादियाँ जिन्होंने इतनी मेहनत करी, आज हम इतना विशाल इसको देख रहे हैं, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था, बहुत मेहनत इसके पीछे है ना, सोच भी नहीं सकते हर तरीके से मेहनत। और फिर वहाँ पर है चौथा
ब्रह्मा बाबा का। कहाँ से आए थे? रेलवे स्टेशन से। कितना दूर स्टेशन? हाँ। अच्छा, बाबा पाकिस्तान से यहाँ आए? कराची में थे ना पहले से। ओरिजिनल कुटिया है। तो यहाँ ये वो पांडा भवन स्थान है जब सीधा यहाँ पर आए थे कराची से। यहाँ आके एक कोठी थी ब्रज कोठी के नाम से, जो अभी आज की डेट में वो होटल बना हुआ है। तो पहले वहाँ पर लिया था। कौन से सन में आए थे? 1950। अच्छा, बहुत पुराने की बात है। सब कुछ तो अभी का ये सब कुछ। और हाँ, अभी ये है बाबा की कुटिया। सबसे पहले जब बाबा आए थे वो यही आके ठहरे थे। तो अभी मैं ना जैसे स्टार्टिंग में बोल रही थी कि हाँ ये बाबा की कुटिया, तो किसी ने मेरे को आके बोला कि नहीं ये बाबा की कुटिया नहीं। तो इसलिए मैंने सब कुछ क्लियर करने के लिए अभी दीदी से पूछा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ यही है बाबा की कुटिया, और ये वही जगह है जहाँ बाबा हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे। और जो पीछे झूला था वो भी बाबा का ही झूला। और आज हम सीरियसली बहुत लक्की हैं जो हमें यहाँ बाबा के पास आकर और यहाँ इस झूले पर बैठने का शुभ अवसर मिला है। और मौसी का तो सच में बहुत अच्छा बुलावा था। इनका तबीयत ख़राब थी, इनका आना बिल्कुल कैंसिल हो गया था। मतलब जहाँ हम आए ना, जिस गाड़ी में हम आए उस गाड़ी में जगह भी नहीं थी। और मम्मी ने हिम्मत की, हमने बोला नहीं हम लेके जाएंगे। और हमने हर जगह बातचीत करके और सब जो हमारे साथ पार्टनर्स थे गाड़ी में पार्टनर्स थे, उनको बोला कि नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो। लेकिन नहीं, उन्होंने भी बोला कि अगर आप एडजस्ट कर लोगे तो ठीक है चलो। और फिर हम लेकर आए हैं मौसी को। तो मौसी, क्योंकि मम्मी की वो मौसी की तबीयत ख़राब है, तो सबने ये बोल दिया था कि अगर कुछ हो गया तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, हमें कुछ मत बोलना। तो मम्मी ने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। टाइम ना बारिश के साथ साथ यहाँ टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस। सुबह 10:28 है अभी। और अब हम इसके बाद आए हैं हिस्टोरिकल रूम। और अब इसके बाद हम आए थे हिस्टोरिकल रूम में। तो इसमें क्या था, जो दादा लेखराज जी थे तो उनकी पूरी जो लाइफ जर्नी थी 1920 से लेकर 1965 तक की, पूरा उसके बारे में बताया गया था इस रूम में। यह है टावर ऑफ पीस, और इसके साइड में जो भी है वो है ट्रेनिंग सेंटर। यहीं जो सबकी ट्रेनिंग होती है, क्लासेस होती हैं। बट हाँ, अब नीचे भी बन गया है एक ट्रेनिंग सेंटर, तो इसलिए अब यहाँ कम होती है, नीचे ज़्यादा। ये है अभी यहाँ का मौसम, और बहुत ठंड लग रही है सच में यहाँ इस टाइम। अब हमने देखना कितना टाइम बाद मार्केट देखी है। बाहर मार्केट है, अभी हम जा रहे हैं लकी लेक। आपको खाना है मुझे खाना नहीं, सबको खिलाएंगे। आप इंक्लूडेड ही हो अब हमारे परिवार के साथ। और अभी हम आए हैं नक्की लेक पे, और यहाँ करेंगे हम बोटिंग। और पता है यहाँ ना बारिश हो रही है, ठंड इतनी ज्यादा है, मेरी हो रही है हालत खराब। हाँ, बहुत ठंड लग रही है। ऊपर देखो कितना फोग है, बादल एकदम नीचे आ गए। बादल है इस टाइम, ठंड इतनी लग गई। तो हमने सोचा क्यों ना हम स्वीट कॉर्न खा लें। तो हम यहाँ रुके स्वीट कॉर्न खाने के लिए, थोड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाए। ये तो है। और अब हम तीनों ने कर लिया है अपना एकदम से लुक चेंज। कैसे लग रहे हैं हम? लगा लिए। मौसम में फॉग था। हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कुछ चेंज अप भी करें। और अभी ना हम मार्केट में हैं, तो अगर कुछ शॉपिंग करनी हो तो कर सकते हैं। लोगे कुछ हो किचन वगैरह? वैसे सही तो लग रहा है ना। सही तो कहाँ जाना का है ना भैया। और अभी हम इसके बाद जा रहे थे नक्की लेक में, नक्की झील में, और वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो वाला ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग कर देती हूँ। कंटिन्यू बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है वो। सो बाय।